बड़वानी जिले के थाना क्षेत्र पाटी के अंतर्गत ग्राम चेरवी के पास पाटी के व्यापारी जीतू सोनी से योजना बनाकर आरोपी कैलाश दिनेश उमेश थावरिया हेमलू भील ने गाड़ी रोककर डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए 58 किलो चांदी और नकदी 50,000 रुपये लूट लिए थे, जिसमें मुख्य आरोपी कैलाश पिता राजाराम घटना के बाद से फरार था। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना पाटी से टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी कैलाश को साइबर सेल की मदद से पकड़ा, जिसके कब्जे से 4 किलो 20 ग्राम चांदी जब्त कर गिरफ्तार किया गया है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। जनवरी 2019 में चेरवी गाँव है जहाँ नगर पार्टी के सेठ जितेंद्र सोनी बाजार करने जाते हैं, वो चांदी बेचने का व्यवसाय करते हैं। आज जिस आरोपी को हमने पकड़ा है, इसका नाम कैलाश पिता राजाराम भिलाला है। ये ग्राम आसपुर थाना बाग क्षेत्र का रहने वाला है। इसने अपने साथियों के 5-6 साथियों के साथ मिलकर जितेंद्र सोनी को लूटने की योजना बनाई थी और उस योजना के अंतर्गत दिनांक 20/1/2019 को इन्होंने उसकी गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल लगा के उसके साथ लूट की वारदात की थी। उस वारदात में इन्होंने कुल 58 किलो चांदी व 50,000 रुपये नकदी जितेंद्र सोनी के लूटे थे। मामला प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद इस मामले में 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मास्टरमाइंड था जो काफ़ी दिनों से फरार था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई थी, वो निर्देश दिए गए थे, उसी निर्देशों के पालन में आज इसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जाएगा। इसके कब्जे से उस लूट में इसके हिस्से की आई 4 किलो 20 ग्राम चांदी जो नकदी लगभग 1,68,000 की जब्त की है, आज इसे न्यायालय पेश कर रहे हैं। ये आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया सर आज? इस आरोपी को हमने बड़वानी से गिरफ्तार किया, कल किया है, 5 तारीख को गिरफ्तार किया, आज न्यायालय पेश कर रहे हैं।